नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं SS की रेलिंग अगर हम हमारे स्टेयर्स के ऊपर बालकनी में या कहीं आउटडोर में लगवाते हैं तो उसको लगाने का क्या खर्चा आता है, कितने ग्रेड का मटेरियल रहता है और किस ग्रेड का मटेरियल कहाँ के लिए यूज़ करना चाहिए और इसको टेस्ट कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेड की, कितने ग्रेड आते हैं और किस ग्रेड का मटेरियल हमारे को कहाँ पे लगाना है। तो मेनली तीन ग्रेड आते हैं SS की जो मटेरियल आते हैं उसमें। पहला होता है 202 ग्रेड, दूसरा 316 ग्रेड का आता है और तीसरा आता है 304 ग्रेड का। अब अगर आप आउटडोर में या बालकनी में कहीं पे रेलिंग लगवा रहे हैं जहाँ पे पानी पड़ने वाला है या धूप में रहने वाला है तो आप ये कोशिश करें 304 ग्रेड या 316 ग्रेड का ही आप जो मटेरियल है वे यूज करें, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़े हल्के वाले मटेरियल जैसे 202 ग्रेड वाले यूज करते हैं तो हो सकता है जंग वगैरह लगने की, क्योंकि लगातार अगर उस पर पानी पड़ते रहा या अगर वह धूप में रहता है तो उसके जो कलर है थोड़े पीलापन उसमें आ सकता है। इसलिए आउटडोर और या हमारे जो बालकनी वगैरह है ऐसे जगह पे 304 या 316 ग्रेड का ही जो SS की जो मटेरियल है उसका यूज करना चाहिए। अब 202 वाली जो ग्रेड है इसको हम चाहे तो हमारे स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ऊपर इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो पैसे तो आपको लग जाएंगे अच्छे वाले ग्रेड के लेकिन मटेरियल आपको मिलेगा लोकल वाले ग्रेड, क्योंकि इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज की वीडियो आप देखने के बाद आसानी से इसको पहचान सकते हैं, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं आने वाला है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोस्तों एक ड्रॉप आता है जो कि इसको टेस्ट करने का केमिकल आता है जो कि आपको 30 से 40 रुपए में ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप उसको मंगा लें जब भी आप काम कराने वाले हैं। करना क्या होता है, इसको आपको आपके जो भी SS के मटेरियल है उसके ऊपर एक बूंद डालें, अगर वे ऑरेंज हो जाता है तो आप ये समझ लो ये कम ग्रेड वाले जो स्टील है ये है, अगर उसका जो कलर है ग्रीन रहता है तो आप ये समझ लो कि इसके जो अच्छे ग्रेड वाले हैं वे है। हालांकि ये सभी चीज़ें उस बोतल पे आपको लिखा मिल जाएगा कि कैसे इसको चेक करना है, इसको जब आप उस ड्रॉप को डालेंगे उस मटेरियल के ऊपर तो उसके रिएक्शन कैसा होगा, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और जितने आप पैसे दिए हैं उसमें आपका प्रॉपर काम हो पाएगा। अब अगर खर्चा की बात करें, कितने रुपए खर्चा हो सकता है चाहे हम स्टेयर्स के ऊपर रेलिंग लगाएं या हमारे बालकनी में लगाएं या चाहे आउटडोर में कहीं पर भी हम इस प्रकार के काम कराते हैं तो ओवरऑल टोटल कितने रुपए का खर्चा होता है। तो दोस्तों अगर मैं 304 ग्रेड वाले की बात करूं तो इसको इसका जो रेट होता है रनिंग फिट में होता है तो इसका जो रेट रहेगा लगभग 750 रुपये से लेकर और 850 रुपये तक अभी मार्केट में चल रहा है। और ये 304 वाले ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 202 ग्रेड वाले की बात करूँ तो ये 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और ये डिपेंड करता है कैसा आप उसमें डिज़ाइन बना रहे हैं, आपका वर्क कहाँ पे चल रहा है, एरिया वाइज भी थोड़ा कम या ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो मेन पिलर होते हैं बीच बीच में जो लगते हैं वे तो रनिंग फिट में ही आ जाएगा, लेकिन जो मेन पिलर है उसके रेट अलग से होते हैं, उसका जो रेट है 1000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक भी हो सकता है, जैसा जो पिलर रहेगा उस हिसाब से उसका रेट रहता है। तो ये चीज़ें रनिंग फिट में नहीं होती है, पिलर के पैसे अलग से लगते हैं और रनिंग फिट में जो स्टेयर्स के ऊपर या बालकनी के ऊपर लगाते हैं तो आपके ऊपर का जो पर्सन होगा वो मापा जाएगा और उसके जो रेट है वे रनिंग फिट में, अगर आप अच्छे ग्रेड यानी 304 वाले लगा रहे हैं तो 750 से 850 रुपये या अगर आप 202 ग्रेड वाले लगाते हैं तो 500 रुपये से शुरू हो जाएगा, अच्छी डिज़ाइन बनवा रहे हैं तो 600-700 रुपये या 800 रुपये तक भी इसका रेट जा सकता है, लेकिन लगभग ये 500 रुपये से चालू हो जाता है, इतने पैसे में आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों किस कंपनी का मटेरियल अच्छा रहता है उसके मैं बात करूं तो अभी के टाइम पे जिंदल सबसे बेस्ट है, अगर आप जिंदल के मटेरियल लगा सकते हैं तो बेशक आप उसके तरफ जाएं, थोड़ा सा ये बाकी ब्रांड से महंगा मिलेगा लेकिन आपको जो इसका मटेरियल है काफ़ी अच्छा रहता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वे भी मुझे लिखे, मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी क्वेरीज होगा या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस पर अगला वीडियो बनाने की। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।